नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीयानी गर्ल्स कॉलेज। हमारे साथ आज प्रोफेसर राधिका गोयल मैम है और हम आज प्रोफेसर संजय बियानी सर से ऑर्गेनिक एंड मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आई एम डॉक्टर राधिका गोयल। सर, हमने सुना है आप मोटिवेशनल गुरु हैं, तो सब्जेक्ट की बात पे आने से पहले हम मेरे मन की कुछ दुविधा है वो मैं आपसे दूर करना चाहूँगी। सर, इन जनरल हमने देखा है कि हमारे मन में वो करने की इच्छा ज़्यादा जागृत होती है जिसके लिए हमें लोग मना करते हैं। जैसे कि हम बच्चों में भी देखते हैं कि बच्चों को हम कहेंगे बेटा वो चीज़ मत खाना, तो बच्चे इन जनरल उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ऐसे मन की कौन सी भावना होती है जो हमें इसको करने के लिए कर सकते हैं? देखिए मैम, आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स आप डेली पढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये तो लाइफ से रिलेटेड है और वास्तव में आज जब हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं तब से हम अपने आप को कम समझते हैं और मटेरियल को ज़्यादा समझते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहूँगा और दर्शकों को भी बता देना चाहूँगा कि इसके लिए कि हम जो बच्चों को मना करते हैं वही वो क्यों करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी को समझना पड़ेगा कि हु एम आई, हम बॉडी है क्या, हम लीवर किडनी है लंग्स है क्या? तो जवाब आएगा नहीं, डेड बॉडी में भी होते हैं ये सब। तो फिर सवाल आएगा तो फिर कौन है हम लोग, माइंड है क्या हम लोग, क्योंकि माइंड हमेशा चलता रहता है ना, मन जिसको हम कहते हैं तो हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। और शायद इसी वजह से हम अपनी जो रिसर्च है या हमारी जो समझ है हम दूसरी जनरेशन तक पहुँचा नहीं पा रहे, क्योंकि मन बहुत डिस्टर्ब करता रहता है, मन हमेशा डिविएट करता रहेगा। मन का काम है डिविएशन करना, वो हमारे को मिलने नहीं देता हमारी सबसे बड़ी पावर को। तो मन जो है, मन को के लिए क्या किया जाए, तो मन को मेरा को लगता है कि हम अगर मन को जितना हम एक्टिवेट करते जाएंगे, मन को जितना ज़्यादा मटेरियल हम देते जाएंगे, मन की जितनी ज़्यादा इच्छाएं हम पूरी करते जाएंगे, ये और ताकतवर और ताकतवर और ताकतवर होता जाता है। तो बच्चे चूँकि अभी उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएँ, बहुत सारे काम को करना चाहते हैं, बहुत सारे वो लेना चाहते हैं, तो इस बचपन की उम्र के अंदर या जवानी की उम्र के अंदर मन बहुत पावरफुल रहता है। और मन को जब तक हम पीस ना दे पाए, मन को जब तक हम शांत नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि तब तक हम युवाओं को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी भी एक आर्ट है, इसकी भी एक समझ है। पर मन जैसे ही शांत हो जाएगा, आपकी जितनी भी पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा है, आपके अंदर जितनी ज़्यादा समझ है, वो सब एक्सप्लोर होने लगेगी। सो ऐसे कहा भी जाता है कि मन की हारे हार है और मन की जीते जीत है। तो बच्चों को मन को समझाना, मुझे लगता है मन को समझाना शायद दुनिया के सबसे कठिनतम कामों में से एक काम है। पर मन को जैसे जैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड और मन को समझने लगेंगे, हम लोग लाइटर होने लगेंगे, हम देखेंगे कि हम बड़े बड़े काम करने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि मन को जीतना सब जीतने के बराबर है, इसलिए इस पर इसका बहुत गहरी बात है। पर मैं नर्स शेयर के अंदर अगर इसको जवाब देना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मन को जिस चीज़ों से मना किया जाएगा ये उसके पीछे भागेगा, और मन को रोकने के लिए उसे शांत करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। वो टेक्निक जो है वो मेडिटेशन है। बड़ी मुश्किल से समझ आती है ये, लेकिन जो चीज़ बहुत सब एटॉमिक लेवल पे है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसको केमिस्ट्री के प्रोफेसर रिसर्च नहीं कर सकते, जिसके ऊपर फिजिक्स के प्रोफेसर रिसर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सब एनर्जी है और वो सब एटॉमिक जो एनर्जी है वही मन है। तो मन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। मन को समझने के लिए मैं चुकी तो बहुत डिटेल बात है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मन को एक ही बात सिखाई जाती है, वो उसको शांत रहना सिखाया जाता है। लेकिन कितना मुश्किल काम है, शायद कहना कितना आसान है लेकिन करना कितना मुश्किल है। मन को कह दो शांत हो जाए तो मन तो उतना ही अशांत हो जाता है। तो मन को शांत रखने का जो बहुत ही एक शब्द में और बहुत सटीक जवाब देना चाहूँगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मन के को शांत रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपका नॉलेज, एक नॉलेज आपको आ जाए, और वो नॉलेज ये है कि आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम ओनली सोल, आई एम ओनली विटनेसिंग द थिंग। और मन को करते हुए देखते रहिए, थोड़ी देर में आपको मन आपका नौकर की तरह आपको अनुभव होगा। अभी तो मन मालिक बना हुआ है, वो जो इच्छा वो करवाता है, पर जैसे जैसे हमारी सोल अवेयरनेस बढ़ेगी और हमारे को अपना असली परिचय मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा और हम लोग मन को अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। अभी तो मन को मालिक बनाए हुए हैं। तो हमें तीन बातों को मैं फिर शॉर्ट में बता देना चाहूँगा, बॉडी अलग चीज़ है, माइंड अलग चीज़ है और सोल अलग चीज़ है। व्हेन सोल
पावरफुल हो जाएगी, जब सोल ताकतवर हो जाएगी, माइंड उसके अंडर में आ जाएगा, माइंड उसके अंडर में आते ही हमारे सारे काम आसान होने लगेंगे। ये अवेयरनेस हमारे को खुद को भी लानी होगी और आने वाली जनरेशन में भी लानी पड़ेगी।